रविवार दोपहर 2:30 बजे के आसपास ऐरोली सेक्टर 1 स्थित एक मंजिला इमारत अचानक गिर पड़ी। इसी इमारत को लगकर अन्य दूसरी इमारत के काफी नजदीक एक और नई इमारत का निर्माण कार्य शुरू था। दुर्घटनाग्रस्त इमारत के किराएदारों को केवल 15 दिन पहले इमारत खाली करने के नाममात्र निर्देश दिए गए थे। कुछ किराएदारों ने घर छोड़ा, किंतु एक रूम में रहने वाले 6 जन तथा अन्य दूसरे रूम में रहने वाले 7 जन दूसरे आश्रय के खोज में थे, जिन्हें घर न मिलने से वो वही वास्तव्य कर रहे थे। रविवार को नई इमारत का काम शुरू था, जहां जेसीबी चलाते ही अचानक बाजू की इमारतों की दीवार हिलती देख सतर्कता दिखाकर दोनों भी रूम के दोनों भी किराएदार जैसे थे उसी हालत में अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल आए। उसी समय तुरंत इमारत ढहल कर गिर पड़ी। अच्छा, ये जब बिल्डिंग गिर गई, क्या हुआ था? आप अंदर थे क्या? क्या हुआ था? हम लोग अंदर था, सब लोग इतना छोड़ के बन रखे थे, उतना गए का करना हुआ है तो बोले सब झाड़ो देवाल झाड़ो झाड़ो, तब गिरना चालू हो गए झाड़े, तभी हम लोग बाहर भाग के आए, तभी देखे इधर से तभी गिर रहा है, सब सामान उधर था, हम लोग खाली देने लेके आए भाग के सब लोग। इस दुर्घटना के बाद तुरंत घटनास्थल पर ऐरोली अग्निशमन विभाग का एक पथक दाखिल हुआ, जिसकी जानकारी ऐरोली अग्निशमन दल के सहायक केंद्र अधिकारी प्रभाकर गाड़े इन्होंने दी। दोन माळीची इमारत होती आणि ती बाजूला बांधकाम चालू असल्यामुळे ढासळली, ती ढासळण्या अगोदर आतली राहणारी माणसं सुरक्षित बाहेर पडली होती। आम्ही येऊन तपासणी केली इमारतीची पूर्ण, कोणी कुठं आढळून आलं नाही आम्हाला, नाही आता राहण्याचं काही पार्टच राहिलं नाही, फक्त जिन्याचा पार्ट शिल्लक आहे, बाकी पूर्ण इमारत ढासळलेली आहे। दौरान घटनास्थल पर ऐरोली विधायक संदीप नाईक भी मौजूद हुए, साथ ही नवी मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष अनंत सुतार, इन्होंने गैर जिम्मेदार ठेकेदार को, इमारत मालिक को तथा जरूरत पड़ने पर दोषी पालिका अधिकारी पर पुलिस थाने में मामला दर्ज करने की भूमिका अपनाई है। तो माझी आता मागणी आहे, का तो प्रभाग माझ्याकडे आलेला आहे, ज्या बिल्डरने हे बांधकाम केलेलं आहे त्याच्यावर कायदेशीर गुन्हा झाला पाहिजे। मी तिथं स्वतः जाऊन भेट दिली, तिथल्या राहणा ज्यांचं घर पडलेलं आहे तो घराचा मालक आउट ऑफ इंडिया आहे असं समजलेलं आहे, आणि जे लोक टेनंट भाडेकरू तिथे राहत होते त्या भाडेकरूंना मी पोलीस स्टेशनला घेऊन चाललेलो आहे, ते कायदेशीर त्यांच्या गुन्हा दाखल करतील। वॉर्ड ऑफिसरला महानगरपालिकेने त्या बिल्डरवर त्यांच्यावर कारवाई करावा, अशा गुन्हा दाखल करावा, अशा प्रकारची मी मागणी केलेली आहे। प्रसंग आला तर मी स्वतः या कारवाईमध्ये FRI दाखल करायला मागे पुढे बघणार नाही। ये भीषण हादसा देख अभी भी ये किराएदार डरे हुए हैं, जहां कोई भी गलती ना होते हुए बेवजह उनका संसार इस हादसे का शिकार बना। अब मानसून को भी शुरुआत होगी, ऐसे में किसका सहारा ले, ऐसा सवाल उन्होंने खड़ा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट मूसा और शेखर हमप्रस की रिपोर्ट।